कन्नौज में बदमाशों ने एक फर्नीचर व्यापारी के घर में लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। व्यापारी का पूरा परिवार एक शादी में इटावा गया था। घर में अकेला व्यापारी ही था। बाहर से फर्नीचर लाने का बहाना बनाकर घर में घुसे बदमाशों ने व्यापारी को पीटकर डकैती को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के संजय नगर मोहल्ले में सैनिक फर्नीचर हाउस में हुई लाखों की डकैती पड़ी है। डकैती के शिकार विनोद कुमार की मकान में ही नीचे के हिस्से में फर्नीचर की दुकान है। उन्होंने बताया कि देर रात बाहर से फर्नीचर आने को था, जिसके चलते वो परिवार के साथ इटावा बारात में नहीं गए। रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास बदमाश आए। उन्होंने गेट बजाया और बोला कि आपका माल आ गया है, गेट खोलो। जैसे ही विनोद कुमार ने गेट खोला, वैसे ही बदमाशों ने उनके मुंह में कपड़ा थूक दिया और मारपीट शुरू कर दी। विनोद कुमार के पास 5 लाख रुपए कैश था, जो उन्होंने शुक्रवार को बैंक से निकाला था। उनकी बेटी और घर की अन्य महिलाओं के लाखों रुपए की कीमत के जेवर भी बदमाश ले गए। तो बोला मेरे पास पैसा चाहिए मिट्टी का, मैं निकाल के रखता हूँ। मैं पैसे बैंक से निकाल के लाया था, कल 1 लाख रुपया निकाला था बैंक ऑफ इंडिया से। परसों निकाले थे 2 लाख रुपये मैंने भारतीय स्टेट बैंक के, 2 लाख निकाले थे पंजाब नेशनल बैंक। बाद बाकी ये जो बिटी हूँ उसका मानिए रखा था। कल हमारी बिटिया आई, वो जानी थी उधर, तो वो जेवर पहन के आई सब। मैंने जा रही थी, हमने तो भाग रहे थे, कहाँ जा रही थी इधर मत जा। बहू मैं पहन के आई, बात करते बहू भाई हार कांटी ये वो सब पर पहले आई, उसका भी मैंने उतरवा कर लिया। हम कहाँ जी डाल जाओ बस, ठीक नहीं है। तो हम शाम को ये लोग 7 बजे गए गुन्नू गए, तो हम यहाँ लेते थे ये एक मिनट सोलिया तक बाद आ जाए। तो हमने भाई कौन ये खतरा, तो मैं उठा तो अपने गाड़ी आई, तो हमने गेट बंद किया, चाबी देखो ये चाबी डाली इसी मोटरसाइकिल चाबी ली। हमने गाड़ी निकालता हूँ और ले जाता हूँ। सर ये क्या घटना हुई है और कितने की लूट हुई? देखिए रात में करीब 2:30 बजे की बात है, ये अपने फार्म में थे, तो करीब इनका माल आने वाला था, तो किसी ने नॉक किया। इस पर इनको लगा कि हमारा माल लेकर के कोई आया है, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद इनको ओवर पावर करके, और इनका 5 लाख रुपया बता रहे हैं कैश है, कुछ ज्वेलरी थी वो लोग लूट करके ले गए हैं। घटना की सूचना इन्होंने करीब 5:30 बजे सुबह में, जब कुछ दौड़ने वाले लड़के यहाँ से गुजर रहे थे, तो उनको बताया, फिर सूचना दी गई, UP 100 को दी गई। हम लोग जांच करने के लिए यहाँ पे आए हैं और शीघ्र ही इसमें सच्चाई का पता लगाते हुए केस को। सर बोलो सर, इस घटना के बाद नगर में काफ़ी हड़कंप है, और क्योंकि पुलिस रात में गश्त भी करती है, इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो इसमें किसको दोषी मानते हैं? किसी को दोषी नहीं मानते हैं, अभी तो घटना हुई है और एक आपराधिक घटना है, आपको पता है घटना घटी है, इसका शीघ्र ही खुलासा करेंगे।